हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो भैया सोनी आई है गांव में तय, और सुबह सुबह पहुंच गया। जिसका चाचा था उसके साथ आई है, गांव में जा रही थी। और या देखो, लस्सी दूध ये लेके आई है, तो बोतल का डन लाग रही है। न्यू कहा है दूध है, इसमें गर्म कर ले मौसी, खराब हो जाएगा। और या लस्सी बाहर काट दे। और कुछ ही अपना सामान ले आई है, दिल्ली जागी सांझ काल है, तो वो इस मानिया का डन लाग रही थी। और मैं लाग रही थी सिलाई करने। देखो एक और फ्रॉक सिला है आज, शिफॉन का है कपड़ा है इसका। गले बाजू को पाइपिंग लगाई है, और नीचे थे मैंने पिको टाइप में बिल्कुल पतला फोल्ड करके सिलाई लगाई है। मतलब पिको ही कर दिया है मशीन ते, तो दिखाऊंगी आप सबने। मैं इसने कर लू हूँ कम्प्लीट। राम राम जी, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और भाई अभी काम कंप्लीट होया है, कंप्लीट होए तो कई देर होगी ना ही ना हुई बनाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा कपड़ा प्रेस कराया है, ये इतना। और यह कुर्ती प्रेस करी है, यह कुर्ती बनाई है वी नेक की। ऐसी दो कुर्ती बनाई है, चलो दूसरी दिखाऊं मैं। और एक फ्रॉक रेडी कराया है, घेर वाला, फुल घेर वाला। तो ये देखो भाई, एक तो यह कुर्ती तैयार हुई है वी नेक वाली। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी पाइपिंग, सॉरी लेस, और इस तरह से ये चाक पर लेस। ये देखिए, जहां से कपड़ा फोल्ड करा ना, ये वाला जो तुरपाई करण खातर, उसी के ऊपर उठा करके मैंने ये लेस लगा दी। यहां से इस तरह से फोल्ड करके ये देखो, दोनों साइड ऐसे आएगी ये, तो इसको मैंने ऐसे लगा दिया। तो ये कुर्ती का लुक आएगा कुछ इस तरह से। और ये इसकी बैक साइड प्लेट। तो एक तो ये कुर्ती रेडी हुई है, सेम दो, एक के जैसी, और एक ये वाला सूट रेडी होया है। इसके गले में ये पाइपिंग दी है येलो कलर की, येलो कलर की इसमें प्रिंट है। और बैक इसका प्लेन रखा है, अभी तुरपाई नहीं हुई है गले पे। बैक प्लेट है यहाँ पर, और आगे भी प्लेट है, आगे भी यहाँ प्लेट है, और आर्मोल वाली प्लेट है। दोनों प्लेट डालन पे इसकी फिटिंग एक नंबर आवे है, तो दोनों प्लेट डाल दिया आखरू में इसमें। और यहाँ तक इसका टॉप पार्ट 14 इंच का, और पूरी इसकी स्लीव्स चुन्नट वाली, और स्लीव्स पे भी पाइपिंग निकाल दी। और ये देखो इसका घेर, फुल इसका घेर है। और ऐसे ही जैसे पहले वाले मेरे वाले सूट में किया था, ऐसे ही इसका अलग से इनर दिया है नीचे की साइड, और ये ऊपर वाला अलग से दिया है। और इसका लुक देखो, नीचे की साइड ये मशीन से पिको किया है मैंने, पिको जितना फोल्ड कर दिया इसको, पतला फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी, तो इसकी पिको जैसी लुक आ रही है ये देखो। और इसकी वीडियो डाल दूंगी, तो आप भी देख लेना कि इस तरह से ये मैंने तैयार करा है। हाँ, तो जी अभी मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने डाल लिया येलो येलो सूट। येलो मेरा फेवरेट कलर है, येलो सूट, येलो कलर का मेरे को नहीं भी ही रह रहा है। एक आधा मैंने और लेना पड़ेगा येलो कलर का, तो फेस मेरा अंधेरे में कैसे ब्लैक ब्लैक आ रहा है। और ये सोनिया, सोनिया मैंने लगा दी काम का, सोनिया थी मैंने यहाँ दे दी स्कर्ट। अब इसका है रबड़ लूज। सोनिया तू तो बहुत सुतरी आ रही है, दौड़ी आ रही फोन में मेरा। तो वही लास्टिक थोड़ा हर लूज है, या रेडीमेड स्कर्ट है। और यह मेरे ती मंजू ने गिफ्ट में दी थी, मैं ये 20 उम्र में के स्कर्ट पहन मानसू। तो या मन सोनिया ताई दे दी, मेरे को बाल कहाँ सुथरी लागेगी। इसको ऊपर टी शर्ट या टॉप टॉप कुछ भी पहनेगी ना,
तो इसका थोड़ा इलास्टिक लूज है, तो इसकी कमर के हिसाब से करूँगी इस इलास्टिक ने मैं। और मैं एक बार जान की सोच रही हूँ मार्केट, तो मार्केट के काम जाऊँगी वो आपने मैं दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं। अभी मैं सोनियान मार्केट दिखाई लाऊंगी, तन कौन देखी है ना सदर मार्केट, तो सदर मार्केट का आज दौरा करवाते हैं, सोनिया से पूछते हैं कैसी लगी फिर इसको मार्केट। मैंने बाला का थोड़ा तेल लगा के ठीक तक कंघी कर लिया, ये भी न्यू उड़ा उड़ा को नहीं, न्यू रात न्यू खड़ा हो जा हम बावड़े का डाल। बेबी एयर्स, तो वही फिर हम गई इस पर राहुल वाली शॉप पे, पर इसने तो बिल्कुल भी टाइम ना रहा, इसके तो भीड़े इतनी रहे है। महा भैया टाइम है, ये बोला भाई कौन ही तो टाइम है, तो मन्ना है ना फुर्सत कोई चीज लेनी हो मैं फुर्सत ना देख लूं, नहीं तो ना मैंने लेने में ज्ञान ना हो। फिर इस शॉप पर तो मैं सोनिया निकल गई आगे अगली शॉप पर चली गई। और भाई ईव जो मैं इस दुकान पर गई हूँ ना, इसके रेट बहुत ज्यादा हैवी हैं, पर इसकी चीज और क्वालिटी भी उतनी अच्छी है, पर इसके रेट भी बहुत ज्यादा आई हैं, तो सोच समझ के इसकी दुकान पर कपड़ा लेना पड़ा है। तो जमाए कोई चीज ना ही ना मिला, नहीं इधर उधर जद मैंने इस दुकान पर जाना पड़ा है, नहीं मैंने आजकल इस शॉप पर जाना बंद कर रखा है। पहले मैं इसी शॉप पे शॉपिंग करा करती, पर अब इस पे मेरे को पता चला कि ज्यादा हैवी रेट है, तो अब मैं इस पे कम ही जाया करूँ। 450 रुपये मीटर महंगा बहुत ज्यादा भैया, बहुत सस्ता है, हैं बहुत सस्ता है, सबसे सस्ता यही है, नहीं तो सब 500 से ऊपर ऊपर के। और ये भाई मेरे को आज मिल गई थी एक सब्सक्राइबर, और इसने मेरे को पहचान लिया, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि देखो मेरे को भी लोग पहचानने लग गए, तो और या सब्सक्राइबर भी भाई बहुत खुश हो रही थी मेरे तो मिलके, बोली मेरी तमन्ना थी, मैं बार बार सोचो थी कि वह कब से मैंने मिले कब से मिला, और आज तो बोली मैं घर तक निकली ना, मैं सोच के निकली थी अगर मैंने मिल जाने तो मैंने बड़ी खुशी हो है। बनाया है मेरा काम, बर्तन धो के आई हूँ, रोटी खाई है और बच्चा खान लाग रहा है, तो आज सारा दिन थोड़ी बिजी थी, मखाई थोड़ी सी देर कर ली हूँ बात, मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा चुप मुट सा काम था, सोनिया आ रही थी वह शाम का 6 बजे दिल्ली चली गई थी, और वह आई थी गांव में, तो आई थी गांव में तो मेरे देवर आया था, तो उसके साथ बैठ के आ गई थी गांव में जा रही थी वह, तो लस्सी दूध ली आई थी आज वह गाँव में जा रही थी जैसे, और चुटमुट सा तो कई काम करा, और आप सब ने पूछा कि सीमर का कपड़ा कितने का ले आई है, कौन सी शॉप पर ले आई है, तो सीमर का कपड़ा मैं ले आई हूँ राहुल वाली शॉप पे, जो गुड़गांव होते हैं वह जानती हूँ राहुल वाली शॉप पे, और उस दुकान पे तो वो पड़ा मैंने 150 रुपये मीटर, और मैं फुल डिटेल आपने बाद में बताऊंगी जब मैं उसने बना लूंगी, मैं उसका पूरा बजट बताऊंगी, कितने का दुपट्टा है, कितने का कपड़ा है, कितना कपड़ा लिया, लेस कितने की ले आई, आज मैं उसकी खातर लेस लेके आई, और थोड़ा पैच वर्क डिजाइन बनाने खातर एक अलग कपड़ा भी लेके आई, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसकी वीडियो आओगी तब बताऊंगी। और दूसरी दुकान पर मैंने पूछा सेम वो एक कपड़ा, के नाम था उस दुकान का, वीडियो में देख के बताऊंगी, उसकी वीडियो बनाई भी थी उस शॉप की मैंने, तो उस शॉप पर वो एक कपड़ा 250 रुपये मीटर, तो थोड़ा हाँ घूम के फिर चीज लेनी चाहिए, और जो महंगी वाला कपड़ा दिया था ना मैं पहले उस शॉप पर जाया करती, फिर एक दिन मैंने उस पर दुपट्टा लिया सेम बॉय दुपट्टा मैंने उस दूसरी शॉप पर टंगा दिखा, तो घना रेट में फर्क पाया, तो फिर मैंने सोचा कि एक दो दुकान पर तसल्ली करके फिर चीज लेनी चाहिए, सही चीज मिला है, ये दुकान वाला है ना 50 रुपये भी मीटर गैल फर्क करते हैं ना, तो बहुत हो गया सूट पे कई रुपए का फर्क हो गया है, तो आगे का दी छोटी छोटी चीजें लाने गई थी कुछ खास देखा सबसे उसी सूट को थोड़ा तैयार करने खातर, और यो सूट तैयार करूंगी पहले तो यो डालना है, इसकी वीडियो बनानी है, तो इस खातर मैं अस्तर और
लेस ले आई हूँ। लेस का करना उस दिन मैं इस्तेमाल गई टाइम में मिला को नहीं, तो लेस में टाइम लग जा है सिलेक्ट करन में फिर पसंद करन में, जै तो मैं उस दिन ना लेन पाई। वह लेस क्या हम डाल रखी है दिखाऊँ तो इस सूट का घेरा खातर तो मैं यह वाली लैस लेके आई हूँ मोती वाली। इसका घेरा प्लेन है थोड़ा, हाँ तो नीचे तो थोड़ा सा हैवी सा हो जाएगा लैस लग के, और इसकी बाजू भी प्लेन है तो बाजू के ऊपर भी यह लैस लगा लूँगी। क्या छुपा दी यार, एक लैस में यह लेके आई और ये प्लेन सूट तो मैं जैसे तैयार करूँ हूँ थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और थोड़ा हाँ खुद लैस लास लगा के कुछ डिजाइन बना के हैवी सा दुपट्टा डाई करवा के। आजकल पता बहुत रेट महंगे हो रहे हैं सूटा के, थोड़ी सी कढ़ाई है थोड़ा सा पांचा पे है थोड़ा हाँ बाजू पे है उसके इतने सारे रेट बढ़ाते हैं। थोड़ा हैवी दुपट्टा है 4-5 हज़ार से नीचे कोई सूट देखने लग जाए उस पर सूट नहीं मिले, तो थोड़ा हा इतना तो होना चाहिए कि भाई थोड़ा अच्छा पार्टी वियर बन जाए खुद तक प्लेन, थोड़ा अच्छा कपड़ा लेके शाइनिंग वाला कपड़ा थोड़ी सी लेस वेस लगा के थोड़ा दुपट्टा कलर करवा ले, तो उस चीज़ में कितना बजट आओगा यो मैं बना के देखूंगी कितना बजट आओगा कैसा लगेगा बनाने के बाद। थोड़ा आइडिया मिल जाए है, आइडिया मिल जाए तो दूसरा बंदा का भी बनाने जी करे एकदम, ते जो चीज़ आप बना हो ना पहले तो आप माइंड में न्यू रहेगी आकी आप पढ़ने के बाद लगेगी कैसी लगेगी कैसी। कई बार क्या हुआ जो सूट सामने पड़े दिखा ना अच्छा और वो सुलन सिलन के बाद उतना अच्छा ना लगे, और कई बार क्या हुआ है जो चीज़ सामने पड़ा इतना अच्छा ना लगे वो सिलन के बाद के भी बहुत अच्छा लगे। तो यह चीज़ प्लेन सूट का डिजाइन ऐसा हुआ है बनने के बाद उसका पूरा लुक का जब पता चला है वो लगेगा किसा, तो ये सूट रेडी होगा ना फिर इसका समझ में आओगा ये लगेगा किसा, ये बढ़िया लगेगा ना लगेगा लागो ना लागो वो सारी चीज़ मैं आपके सामने इसने बनाऊंगी तो आप देख लियो। और आज मैं लेके आई लाइक्रा पेस्टिंग, या है लाइक्रा पेस्टिंग, इसमें दो ही कलर आवे हैं कि तो लग रहा है ब्लाउज में लगा लो, वैसे तो कोई ज़्यादा ही हैवी सूट है तो सूटा भी लगा लो चाहे या प्रेस तो चिपका करे जैसे बुकरम चिपका करे ना नहीं चिपका करे, इसका एक साइड ये दाना दाना सा हुए हैं तो एक कपड़ा के ऊपर चिपक जाए। देखो रेडीमेड ब्लाउज चिपकी आया करे वाह वाली चीज़ है या लाइक्रा पेस्टिंग बोला करो इसने तो या प्रेस तक कपड़ा पर चिप जा है। ब्लाउज जो फिनिशिंग तो टेलर सिलने हैं ना प्रोफेशनल टेलर पहले या लगावे हैं लाइक्रा पेस्टिंग उसके बाद अस्तर लगावे हैं उसके बाद तैयार करें। तो यह मैं लेके तो आई हूँ कुछ सोच के बाद मैं बताऊंगी कि सोच के ले आई हूँ मैं, अगर उस काम में मैं यूज नहीं करूँगी ना तो कहीं पर भी ब्लाउज में यूज कर लूँगी जो मैं मेरा खुद का स्टिच करूँगी ब्लाउज में यूज कर लूँगी। ये तो दुकान पर चले जाओ भाई सूट समझ में ना आवे पहली बात, तो दूसरी बात कोई समझ में आ जा तो उनका रेट समझ में ना आवे बुरा हाल हो रहा है। और मैं इसकी सलवार काट ली हूँ तो सलवार में मैं कोई भी अस्तर नहीं लगाऊंगी, उतना पतला कपड़ा नहीं है यो और सलवार का कपड़ा खिसका ना करया करे तो बेफालतू में बजट बढ़ाना कोनी अस्तर लगा के घटाना है, जितना कम खर्चा लगे उतना ही ठीक है। तो यह सलवार मैं बनाऊंगी बिना अस्तर के, कपड़ा ठीक है कहीं नहीं जाने का, ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है ज़्यादा ही पतला कपड़ा लगा है तो ये अस्तर लगाना है नहीं सलवार में कोई ज़रूरत नहीं है। और यह पांचा वाली सलवार मैं क्यों कर काटूंगी यह आप सबने दिखा दूंगी ठीक है। और एक सिस्टर ने कल पूछ रखा था कि बहुत हैवी कढ़ाई है पोंचा पे तो किस तरह बनावा, बहुत ज़्यादा हैवी कढ़ाई है मान लो इस तरह तो नीचे कपड़ा है तो पोंचा यहाँ पे बना लो, अगर नीचे भी कपड़ा नहीं है हमने यहीं तो ही फोल्ड करना पड़ गया, तो ज़्यादा वर्क है तो इस पे पूरे पे सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं है
जैसे यहाँ पर कढ़ाई है, ठीक है, बाकी इधर तक खाली है, इधर तक खाली है, तो इतनी दूर में हम डिजाइन बना सका, और इतनी दूर में डिजाइन बना सका, जो वर्क है वहाँ थोड़ी ना अपना डिजाइन दिखेगा सिलाई वाला, तो उस पर सिलाई नहीं लगानी है। खाली जगह इधर उधर है तो उस पर उसको भर दो, उसमें सिलाइयाँ लगा के उसको भर दो, इतना स्पेस छोड़ दो, ठीक है, इस तरह बना लिया करो। और आज मार्केट में तो मेरा सोनिया ने व्लॉग बनाया था, मेरे को किसाक बनाया था, मैं तो देखा भी को नहीं, मेरा तो फोन काटने जी ना करा, वन वाली मौसी बना लिया अगर मार्केट की भी थोड़ी बहुत है, और उसने फिर एक आधी क्लिप ली थी और किसी किसी ली थी, मैं जोड़ दूंगी, देख लियो तमी। मेहंदी कलर लागत तो अच्छा ने, मेहंदी कलर भी ऐसा कलर है जिसमें कलर एकदम साफ निकल के आएगा। चलो जी मिलते हैं, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, तो इसी के साथ दे इजाज़त, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए आपके पास जल्दी से वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपके पास वीडियो नहीं जाएगी। तो अगला सूट का डिज़ाइन इसका बनाएंगे, उसके बाद जो हमने गोल्डन कलर का सिमर का लिया है उसका डिज़ाइन बनाएंगे, तो आगे आगे डिज़ाइन चलते रहेंगे। तो बाय बाय गाइज़।